भक्तों, पूरी अयोध्या नगरी में यहाँ जितने भी संत हैं सभी लोग, मतलब कोई ऐसा नहीं कि जो इस सिद्ध स्थान के बारे में ना जानता हो। बाटी वाले बाबा जी के नाम से आप पूरे अयोध्या नगरी में कहीं भी पूछेंगे तो आपको इस स्थान का, यहाँ का पता मिल जाएगा। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज हम श्री अयोध्या धाम में माता सरयू के तट पर बाटी वाले बाबा जी के नाम से यह जगह, ये स्थान, ये सिद्ध स्थान बहुत विख्यात है इस धाम में। आज बाबा जी से हम कुछ थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा ये बाबा जी बताइए कि आप इस स्थान पे कब से आए बाबा जी? यहाँ पे यहाँ लगभग राम जी 2009 से हम यहाँ 2009 से हैं जी। तो पहले से बालू पे रहते रहे, सिर्फ बरसात में जब बालू भर गई जी सर जी तो उठ के यहाँ आ गए। अच्छा, तो पहले पहले बालू पे चलता रहा वाली बाटी चौका, तो वहीं उठ के क्रम यहाँ चलने लगा। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हान लाभ सही ये। विधि का विधान जान, हान लाभ सही ये। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही ये। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही ये। जब आप शुरुआत में आए थे यहाँ पे तट पे थे जी, तब उस समय आपका ये मतलब उद्देश्य था कि हम ऐसा ही मतलब भंडारा प्रसाद जो है भाई सबको पवाएंगे? ये राम जी जब से अयोध्या आए तब दो ही चीज़ की हमको अच्छा लगी, लेने का हरि का नाम और देने का रोटी का टुकड़ो भलो। तो लेने के लिए हरि का नाम, ये मनुष्य जीवन मिला है बाबा जी, और देने के लिए रोटी, ये दो चीज जो बाबा का उद्देश्य, ये जीवन में मतलब शुरू से बाबा जी ने यही विचार किया कि ये मनुष्य जीवन मिला है तो लेने के लिए हरि का नाम हो और देने के लिए रोटी यानी प्रसाद पवाया जाए। जी जी। राम सीताराम जय सीताराम, राम सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। शुरुआत में बाबा जी जब आप तट पे थे जी, तो वहाँ पे मतलब एक जो शुरुआत धीरे धीरे हुई थी। हाँ, धीरे धीरे जैसे जो भी कुछ सामान मिल जाता रहा जी, तो बालू पे बना के पाते रहे। अच्छा, तो वही क्रम धीरे 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 यहाँ आ गया, धीरे धीरे बढ़ता चला जी, तो बढ़ता चला गया। दोस्तों, अगर हमारे अंदर आस्था मजबूत है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो साक्षात उदाहरण पूज्य बाबा जी हैं, महाराज जी हैं, जो कि सरयू तट पे जैसी इच्छा थी आपकी प्रबल कि हम ये मनुष्य जीवन मिला है तो हम हरि का नाम लें और लोगों तक भोजन प्रसाद पवाएं, और वो इच्छा इतनी बलवती थी हमारे बाबा जी की, जो तट पर धीरे धीरे मतलब दो चार लोगों तक आप जो है पहले प्रसाद पवाते थे बाबा जी, दो चार लोगों तक प्रसाद पवाते थे, धीरे धीरे लोगों तक ये बात पहुँची तो लोग आना और शुरू हुए, और फिर धीरे धीरे ये एक विशाल भंडारे का रूप लिया। दोस्तों, आज तमाम आत्माएं यहाँ तृप्त होती हैं, भगवान का प्रसाद पाती हैं। मंगलवार को विशेष तरीके से, हाँ, मंगलवार कोई भी आ जाए, कितना भी मूर्ति आ जाए, उस दिन व्यवस्था किया जाता है। और दिन भी होता है लेकिन उस दिन सीमित रहता। मित्रों, हर दिन यहाँ पर जो यहाँ प्रसाद जो यहाँ पवाया जाता है, लेकिन मंगलवार के दिन विशेष रूप से यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था रहती है। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि
विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम। बाबा जी आप बस जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई एक संदेश दे दीजिए जिससे उन लोगों का जीवन बदल जाए। जी राम जी, एक ही संदेश मेरा वही भरसा पे चौरा राम जी, लेने का हरि का नाम, जितना जितना आप ले सको भगवान का नाम लीजिए, और देना है तो जितना भूखे प्यासे को अन्न रोटी दीजिए, बस लेने के लिए हरि का नाम और देने के लिए भूखे प्यासे को प्रसाद पवाइए, यही जीवन का मूल उद्देश्य बाबा जी। यही परमार्थ का बीज रूप है राम जी, यही बीज रूप है। जी, जी यही परमात्मा का बीज रूप है। मित्रों जब भी अयोध्या नगरी आइए, इस सिद्ध स्थान पे रमणीक स्थान है बहुत, यहाँ जरूर दर्शन करिए। आप सभी से जय जय श्री सीताराम।